लाइव फीड में ईशा मालवीय और खानदादी के बीच में लड़ाई हो गई है और दोनों के बीच में फंस गए हैं अभिषेक। दरअसल लड़ाई चल रही थी ऐश्वर्या और खानदादी के बीच में। खानदादी कहती है कि जब वो ड्यूटीज नहीं करती थी तो उनके घर वाले उन्हें मतलब हाउसमेट जो है खाना नहीं देते थे प्रॉपर, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करती थी, बात करती थी। लेकिन ऐश्वर्या कहती है कि भाई तुम तो तब भी खाना खाती थी जब तुम ड्यूटीज नहीं करती थी, तुम्हें तब भी खाना दिया जाता था और तुम अच्छे से खाती थी, तुम तो काम चोर हो। मतलब दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था। इसी बीच ईशा मालवीय बीच में टूट पड़ती है और ईशा और खानदादी के बीच में टूट में होने लगती है। ईशा जो है वो खानदादी को टॉर्ट मारने लगती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मतलब खानदादी जो बार बार रिपीट करती थी ना, मुझे नहीं रहना, मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूँ, मेरा काजल स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से ईशा जो है वो खानदादी की कॉपी करने लगती है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है। फिर अभिषेक जो है वो ईशा से बैठ के बात करते रहते हैं तो वो फंस जाते हैं, भाई वो सपोर्ट किसका करें। लेकिन फिर अभिषेक है वो कहते हैं कि खानदादी ड्यूटी के लिए कभी मना नहीं किए, वो ड्यूटी करती थी। तो इसी बात को लेके खानदादी और ईशा में ज़ोरदार लड़ाई हो गई है। तो अभिषेक दोनों के बीच में कन्फ्यूज हो जाते हैं किसका सपोर्ट करें, लेकिन फिर भी अभिषेक खानदादी का ही साथ देते हैं। वेल, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ईशा और खानदादी के लड़ाई के कमेंट में बताएं और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गपशप टू।